हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ब्यूटी डिजायर्स एंड दिस इज प्रेरणा। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऑसम से प्रोडक्ट का रिव्यू। ये फ्रेंड्स, काफी दिनों से मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट आ रही थी। जैसे कि आपको पता है कि अभी विंटर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जानना चाह रहे थे एक ऐसी क्रीम जो कि विंटर्स में भी आपको फेयरनेस प्रोवाइड कर सके और साथ ही साथ उसकी कि आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल भी चिपचिपा ना हो। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ही प्रोडक्ट आपके लिए, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे अपने एंटायर विंटर्स में तो आपकी फेयरनेस बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी और साथ ही साथ आपका जो चेहरा है वो एकदम ग्लोई रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो गाइस, वो प्रोडक्ट है ये। तो ये है फेयर एंड लवली की तरफ से उनकी विंटर फेयरनेस क्रीम, और ये जो प्रोडक्ट है वो न्यू है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, ब्लू एंड वाइट कलर की पैकेजिंग में ये अवेलेबल है। और इसमें देख लेते हैं कि अंदर से इसको ट्यूब किस तरीके से दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर से हमें निकल के मिलती है ये वाली ट्यूब, जो कि वाइट एंड ब्लू कलर में है अगेन, और इसके ऊपर लिखा गया है फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस। तो ये जो क्रीम है गाइज, ये क्लेम करती है ये आपको 24 आवर्स की मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके रिव्यू के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, बिकॉज आगे मैं ऐसे ही बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट्स के रिव्यू लेकर आती रहूँगी। तो चलिए, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बता ही दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी प्रोडक्ट की क्लेमिंग क्या क्या है। तो सबसे पहले गाइज, ये प्रोवाइड करती है हमको एक्सपर्ट फेयरनेस। तो ये तो सही बात है, अगर आप इस क्रीम को लगाते हैं तो आपका जो स्किन है वो डल बिल्कुल भी नहीं होगी। सर्दियों में भी आपकी स्किन पे जो है वो फेयरनेस बरकरार रहेगी। देन इसमें लिखा हुआ है ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाती है। तो ये भी इसकी सही एक गारंटी दी हुई है कि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट बिल्कुल रहेगी पूरी एंटायर विंटर्स में। और फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है सन डिफेंस भी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये इतना ज़्यादा सन डिफेंस आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो सनस्क्रीन लोशन है वो आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। तो ये तो है इसकी तीन क्लेमिंग्स। फ्रेंड्स, नाउ हम इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाती है और इसमें यही जो लॉन्ग हमारा नोजल दिया होता है हर एक फेयर एंड लवली क्रीम में, उसी तरीके का नोजल दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस पे बैक ऑफ द हैंड्स में थोड़ी सी क्रीम निकाल रही हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये जो क्रीम है बहुत ही ज़्यादा थिन है, कंसिस्टेंसी में इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला है कंसिस्टेंसी में। तो आपके फेस पे अच्छे से ग्लाइड्स इन हो जाएगा, जब भी आप डॉट डॉट करके लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगा। और थोड़ा सा पिंकिश अंडरटोन में है, आप देख सकते हैं। तो ये सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है पिंकिश अंडरटोन, बिकॉज हमारे चीक्स को एक पिंकिश ग्लो प्रोवाइड करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके से है। तो एज आई एब्जॉर्ब दिस क्रीम हेयर ऑन माई हैंड लाइक दिस, तो ये इजीली से एब्जॉर्ब हो रही है एज यू कैन सी। तो फ्रेंड्स, ये जो है इजीली से एब्जॉर्ब हो गई है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको जरूर नजर आ रहा है। ये वाला हैंड मेरा थोड़ा सा टैंड लग रहा है, लेकिन ये वाले हैंड में बिल्कुल ग्लो एंड फेयरनेस आ गई है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये फेयरनेस तो बिल्कुल प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ बोलता है 24 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन है, 24 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन नहीं देगी ये आपको, केवल 6 to 7 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन ही आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी 55 रुपीज में। आप मार्केट से इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल शॉप से या फिर सुपर मार्केट से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग है। हो सकता है आपको थोड़ा सा बॉदर करे ये फ्रेग्रेंस, लेकिन इतनी भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1 आवर और 2 आवर्स के बाद में ये जो फ्रेग्रेंस है वो गायब भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस क्रीम को बिल्कुल परचेज करके ला सकते हैं अपने विंटर्स के लिए। ये काफ़ी ही एक अच्छी क्रीम है, अगर आप देख रहे हैं विंटर्स के लिए कोई ऐसी क्रीम जो कि आपको फेयरनेस भी प्रोवाइड करे और आपका फेस जो है बिल्कुल भी चिपचिपा ना लगे, तो आप इसको बिल्कुल परचेज करके ला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे इस टाइम बिल्कुल भी कुछ भी मुझे चिपचिपा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है क्रीम, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कोई विंटर क्रीम लगा रखी है। तो ये अच्छे से मॉइस्चराइजेशन आपके फेस को बिल्कुल प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो अपॉन दिस फेयर एंड लवली क्रीम।
विंटर फेयरनेस क्रीम, अगर आपको ये परचेज करनी है तो आप बिल्कुल परचेज करके ला सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दिस क्रीम। तो यस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। हिट लाइक टू दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस, और शेयर कर देना अपनी किसी फ्रेंड के साथ में। मैं मिलूंगी किसी और वीडियो में, अच्छा सा वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय।